The only difference between the ordinary and the best is that the ordinary chooses them, which is easy, but the superior chooses which is difficult. Good morning friends, Currency Daily Analysis पे आप सभी का स्वागत है। आज है 21st of February 2023। कल US holiday था, इसलिए major कुछ activities दिखा नहीं गया। फिर भी देखते हैं कि different currency pairs में what is expected from। डॉलर इंडेक्स अभी 104.04, ये थोड़ा प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है दैट इज 103.75 से 104.00 उस लेवल पे सपोर्ट लेने का प्रयास किया कर रहा है। पहले ये 104.6070 तक गया, उसके बाद वापस यहाँ पे आके सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है या यहीं से नीचे चला आता है, ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी साइडवाइज कंसोलिडेशन गोइंग ऑन 82.68, सो जब तक 83 ऑन द हायर साइड एंड 82.40-50 ऑन द लोअर साइड नहीं तोड़ता है तब तक यहीं पे कंसोलिडेशन करने का प्रयास कर रहा है। जीबीपी डॉलर अभी है 1.2018, ये भी लोअर एंड पे कंसोलिडेट कर रहा है। बेसिकली प्राइस एक्शंस क्लैरिटी जरूरी है फॉर फर्दर क्यूज। जीबीपी आईएनआर 99.40, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन ही है। लेट द प्राइस टू कम आउट ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज। यूरो डॉलर 1.0670, ये भी कंसोलिडेशंस पे ही अटका हुआ है। ऑन द लोअर साइड 1.06 1.0610, ऑन द हायर साइड 1.0800, दो बिगी के बीच में फंसा हुआ है। लेट इट टू क्लियर द रेंज, उसके बाद हम फिर दोबारा एक अच्छा खासा ट्रेडिंग रेंज के लिए, ट्रेडिंग डायरेक्शंस के लिए इंतजार करेंगे। यूरो आईएनआर 88.28, यहां पर भी ये रेंज के अंदर में फंसा हुआ, 89.30 ऑन द लोअर साइड एंड 88.00 ऑन द 88.00 ऑन द लोअर साइड एंड 89.30 ऑन द हायर साइड, इस रेंज में अटका हुआ है। वी नीड टू वेट एंड वॉच टिल वी गेट सम सर्टेन गुड ट्रेडिंग इंडिकेशंस। डॉलर येन 134.39, ये अच्छा खासा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। आरएसआई भी अबोव 60 पे है, सो ये आपका 17 फरवरी का हाई दैट इज 135.12, इसके ऊपर जब क्लोज देगा तो वी कैन एक्सपेक्ट अपवर्ड मोमेंटम। यूरो जेपीवाई आईएनआर 61.52, ये आपका लोअर एंड पे अटका हुआ है। आप देखोगे कि 17 फरवरी का एक पिन बार बनाया हुआ है, इसके लो के नीचे हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी आपका रेंज में फंसा हुआ है, ऑन द हायर साइड 135.25 एंड ऑन द लोअर साइड 132.50-132.70, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है। एक बार ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो हमें एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में भी एक 17 फरवरी का एक पिन बार देखा गया है, सो जब तक इसका लो प्रोटेक्टेड है तो थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही इसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा वी में एक्सपेक्ट है सेल ऑफ। डॉलर सीएनएच 6.855, यहाँ पे एक आपका इवनिंग स्टार फॉर्मेशन होने का प्रयास हो रहा है आफ्टर अप मूव फ्रॉम 6.7075 के रेंज से जो अप मूव आया है, उसके बाद एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट इज दैट? कल एक इन्वर्टेड इन बार बनाया हुआ है एंड आज नेगेटिव कैंडल बन रहा है। आज का कैंडल अगर ऐसा ही एक नेगेटिव कैंडल बनता है इन सच ए सिनेरियो, हम एक आने वाले दिनों में सेल ऑफ देख सकते हैं। Also, RSI terms में it is trying to take resistance at 60. That being the case, दोनों consideration के बाद हम इसको थोड़ा सा sell off कर सकते हैं। UK oil 83.75 consolidation sideways बरकरार है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा clarity के लिए। US 10-year treasury 3.865, ये आपका 17 फरवरी का रेजिस्टेंस लिया है, दैट इज 3.91-3.92 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेके फिर वापस ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है।
तो यहाँ पे अगर आज या आने वाले दिनों में कल का जो लो है उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है दिस वन, देन वी मे एक्सपेक्ट अ सेल ऑफ हियर अबव द हाई ऑफ द इन्वर्टेड डिप इन बट दैट इज 3.927 उसके हाई के ऊपर और एक फर्दर अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो क्या ये नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा हमें इसका इंतजार रहेगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एहेड।